इसी के साथ आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश, जिसे कि भारत का हृदय कहा जाता है, वहां से इस वक्त कौन सी खास खबर आ रही है। हमारे देश में बुजुर्गों को बरगद के पेड़ की संज्ञा दी गई है। हमारे यहाँ के बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते, उन्हें प्रेम का प्रतीक माना जाता है। बुजुर्ग ज्ञान की किताब के हर पन्ने पर एक अद्भुत रहस्य छुपा होता है और जिसका लाभ हम लेते रहते हैं। प्रदेश जिला देवास खातेगांव में वरिष्ठ नागरिक मंच के प्रयास से पेंशनर व वृद्धजनों के लिए टीन शेड भवन निर्माण का लोकार्पण विशेष अतिथि द्वारा गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर किया गया और ये भवन वृद्धजनों को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि भवन वृद्धजनों को सौंप दिया गया है। विगत कई वर्षों से यहाँ पर एक संस्था संचालित हो रही थी जो असहाय वृद्ध और ऐसे लोगों के लिए थी जिन्हें अपने से दूर रहना पड़ता है। ये मंच अपने आप में घर जैसा माहौल देकर उनके साथ खड़ा होता है। ये संस्था क्षेत्र के लिए एक नई मिसाल कायम कर रही है। इसी के साथ सहयोग के लिए कई हाथ भी आगे आ रहे हैं। विधायक निधि से विधायक आशीष शर्मा द्वारा टीन शेड भवन निर्माण के लिए अनुदान राशि दी गई है। वहीं 26 जनवरी को वृद्धजनों के लिए संस्था की ओर से 50,000 की घोषणा की गई है। हमारे यहाँ कभी बुजुर्गों को बोझ नहीं माना गया, हमारे यहाँ उसको एक प्रेम की और संबल की छांव माना गया है। हमारे यहाँ उसको बरगद के पेड़ की संज्ञा दी गई है, जिस पर कई परिंदे अपना ठिकाना लेते हैं। हमारे यहाँ उसको एक पाठशाला की संज्ञा दी गई है, जिसके पास अपार अनुभव होते हैं, जो जीवन की जटिलताओं से अपने बच्चों को रास्ता निकालने की सीख देते हैं। और इसलिए पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है कि संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटते चले। आज के समय में चार भाइयों को एक छत के नीचे रहते हुए बहुत कम जगह देखने को अवसर आता है। जब हम संयुक्त रूप से रहते हैं तो हमारे सुख दुख सब साझा होते हैं। परिवार में जब एक साथ में भोजन करते हैं तो उस भोजन में कई तरह की कड़वाहटें मिट जाती है। बड़े बुजुर्ग का अनुशासन होता है, सास ससुर माता पिता का सानिध्य होता है, तो छोटी मोटी गलतियों की भी गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन इस समय के साथ में बदलाव को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आज के तकनीक और मोबाइल के युग में रिश्ते भी बहुत औपचारिक हो गए हैं। किसी का जन्मदिन है, किसी की सालगिरह है, कोई बीमार है, तो केवल मोबाइल के माध्यम से एक संदेश भेजने को वरिष्ठ नागरिक सेवा जन कल्याण संस्था का टीन शेड का लोकार्पण हुआ है और आज वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया है। ये संस्था का उद्देश्य क्या है और कितने वर्षों से है? जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये वृद्धजन सेवा केंद्र के नाम से इस शेड का निर्माण किया गया है। इस शेड का उद्देश्य ये कि पहली बात तो कि हमारा जो कार्यालय चल रहा, केंद्र चल रहा था, वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, तो बुज़ुर्गों को चढ़ने की परेशानी इससे दूर हो जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पे ये केंद्र होने के बाद में यहाँ पर गरीब निराश्रित वृद्धजनों के लिए भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क भोजन एवं नेकी की दीवार के नाम से कपड़ों की व्यवस्था। ऐसे ज़रूरतमंद जो कपड़ों से वंचित है या जिन्हें कपड़ों की आवश्यकता है, वो यहाँ पर आके दानदाताओं द्वारा दिए गए कपड़े प्राप्त भी कर सकते हैं। और ऐसे बुज़ुर्ग जो भोजन से वंचित हैं, वो बिना संकोच के आके यहाँ पर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये दोनों सुविधाएं वृद्धजनों को देने का उद्देश्य है। सर, इस संस्था को जो निर्माण कार्य में किन लोगों के माध्यम से और ये वृद्धजन सेवा केंद्र बनाने के लिए हमने विधायक महोदय से आग्रह किया था और उन्होंने अपनी विधायक निधि से 1,00,000 रुपया दिया। उसके अलावा यहाँ 20 और अन्य दानदाता हैं जिन्होंने अपना अपना सहयोग दिया है, जिसमें सुरेश गर्ग जी ने सीमेंट की दीवार और श्रीमती वीणा बड़जातिया जी ने पत्थर, ऐसे बहुत 20 दानदाताओं ने दान दिया है। बाकी किसी ने 21,000 11,000 आदि भी दान दिया। सर, आगे और क्या उद्देश्य को लेकर ये संस्था काम कर रही है? नगर निगम की भूमि पर उनके द्वारा निर्मित ये शेड जो है, इस शेड के निर्माण के बाद संस्था का उद्देश्य है आवासीय सुविधा वृद्धजनों को, जो निराश्रित वृद्धजन है, प्रताड़ित है या घर से किसी वजह से पीड़ित है, उन वृद्धजनों के लिए हमारा एक जो मुख्य उद्देश्य है कि वृद्धाश्रम का हम स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील हैं। अभी हमें शासकीय भूमि या किसी प्रकार की भूमि हमें आवंटित अभी नहीं हुई है, उसके बाद हम वृद्धाश्रम का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी हो जाएगी।